बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आपको पता है बच्चों, अब कौन सा त्योहार आने वाला है? दिवाली। दशहरे के 15 दिन बाद दिवाली का त्योहार आता है। दिवाली हम क्यों मनाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। उसी कार्तिक मास की अमावस्या की काली रात थी। लोगों ने घी के दिए जलाकर रोशनी करी और उनका स्वागत करा। उस दिन से हर वर्ष हम यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ओके बच्चों, अब मैं आपको एक छोटी सी दिवाली पर एक कविता सुना रही हूँ। आई दिवाली, आई दिवाली, आई दिवाली रे, आई दिवाली, आई दिवाली, आई दिवाली रे, दीप जलाओ खुशी मनाओ, आई दिवाली रे, दीप जलाओ खुशी मनाओ, आई दिवाली रे, खूब चले फूल झड़ी पटाखे, आई दिवाली रे, खूब चले फूल झड़ी पटाखे, आई दिवाली रे, सबको बांटो खूब मिठाई, आई दिवाली रे, सबको बांटो खूब मिठाई, आई दिवाली रे, दीप जलाओ आई दिवाली रे, दीप जलाओ आई दिवाली रे। अच्छी लगी ना बच्चों? आप भी इसको याद करना। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।